कैसी है अयोध्या नगरी और कैसी है रौनक वहां पर प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव की साक्षी बनने के लिए, कितनी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। शिल्पी मेरी सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। शिल्पी दिखाइए जरा अयोध्या की रौनक कैसी, आज अयोध्या नगरी कैसी लग रही है। देखिए बिल्कुल अयोध्या की रौनक तो हमने देखी, लेकिन अयोध्या वासियों के मन में क्या है ये भी जरूर सुनना होगा, क्योंकि अयोध्या वासी वो हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को, यानी जगत के लिए जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो अयोध्या के लिए रामलला एक छोटे से बालक है, उनके लिए उनके मन में स्नेह भी है। और आज जब रामनवमी का पर्व है तो वो किस तरह से खुशी मना रहे हैं, किस तरह से उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि सेलिब्रेशन बहुत ज़रूरी होता है जब ऐसा कोई अवसर होता है। तो आप पहले सुनिए। सेलिब्रेशन है, लेकिन मैं बात भी करूंगी जिससे इनके मनोभावों को जान सकूं। ये बताइए कि आज पूरी दुनिया अयोध्या की ओर देख रही है, अयोध्या में ऐसे कहते हैं लाखों लोग आएंगे, आप लोग अयोध्या वासी हैं, स्वागत करने के लिए तैयार हैं? हम लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और देखिए हम लोग राम के आने की प्रतीक्षा में इतने अच्छे भजन गा रहे हैं, हमको बहुत खुशी है कि हमारे राम हमारे अयोध्या में विराजमान हो गए हैं, और बहुत खुशी है हमको कि हमारी पूरी अयोध्या जगमगा रही है और हम उत्सव मनाने के लिए तैयार है। कल हमारे प्रभु श्री राम का जन्म। जय श्री राम। बिल्कुल देखिए ये उत्साह महिलाओं में है, और आप देखिए मैंने इनको पहले से नहीं बताया था, लेकिन खुशी के लिए ये इनका ड्रेस, आपको ड्रेस कोड देखिए, सब पीले रंग, यानी जो शुभ शुभ रंग होता है माना जाता है। ये बताइए कि अयोध्या में बहुत सारे बदलाव आए हैं, लेकिन आज सदियों की प्रतीक्षा के बाद रामलला का भव्य मंदिर में जन्मोत्सव मनाया जाएगा, कितना सौभाग्य महसूस करती हैं अयोध्या वासी होने? पूरे पूर्ववासी बहुत ही आह्लादित है, बहुत ही प्रसन्न है कि हमारे राम अपने घर में विराजमान है, और हम लोग बहुत 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 खुश हैं। हम लोग खुशी में ये नवरात्र हम लोगों के लिए बहुत ही शुभकारी हो, बहुत ही शुभ है, और बहुत खुश हैं। आप बताइए कि जय श्री राम के देखिए उद्घोष घर में महिलाएं कर रही हैं, और ये बताइए कि आज अयोध्या पूरी तरह से बदल चुकी है, लेकिन सूर्याभिषेक भी श्री राम का होना है, रामलला का होना है, ये सब जब आप सुनती हैं कि आपके अपनी अयोध्या में हो रहा है तो कितनी खुशी होती है, कितना आपको लगता है कि एक ऐसा अवसर आए? बहुत अच्छा लगता है, और हम बहुत ही कृतार्थ हैं, बहुत ही हमें गर्व होता है इस पर कि हम अयोध्या में अयोध्या के वासी हैं, और हम उसको राम जी के चंद्र जी के अभिषेक को हम देखेंगे साक्षात, इसका हमें बहुत गर्व होता है। बिल्कुल शिल्पी चलिए। बिल्कुल देखिए राम का जन्म हो और बधाई न गाई जाए तो ये नहीं हो सकता, अवध की परंपरा है, और देखिए हो भी क्यों ना, सदियों से लोग अपने संतान के जन्म में, पुत्र के जन्म में बधाई गाते रहे हैं और राम का ही स्वरूप देखते रहे हैं, अपने आप में कितनी बड़ी बात है ये शायद कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन यही बधाई गाई जा रही है यहाँ। ये बताइए बधाई आप गा रही हैं, अवध की खास परंपरा है, राम के जन्म से जुड़ी हुई है। प्रभु श्री राम का जन्म होता है तो हम लोग बधाई है चैती है ये गाते हैं, और उनकी खुशी में ये गाया जाता है कि जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है और हम लोग खुशी से नाचते हैं गाते, तो बधैया और चैती जो है हमारे लोक परंपरा का ये गीत है, सुनाइए। आंगने में बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया प्रांगण जो अयोध्या है, जो पूरी अवधपुरी है, बिल्कुल बधाई गा रही है अवधवासी ये महिलाएं, अयोध्या वासी है, बिल्कुल अपने आप में ये सेलिब्रेशन। चंद्रांशु जी महाराज यही तो शिल्पी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब।
डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।